दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बादशाह प्रॉपर्टीज़ पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, मैं हर बार आपको कोई ना कोई अलग से अलग नए से नया घर एक दिखाना चाहता हूं और कोशिश करता हूं और बहुत आपका प्यार भी हमें मिलता है। तो दोस्तों आज हम एक और ज़बरदस्त घर देखने आए हैं जो कि जीरकपुर में है, बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के पास में है। और इसकी मैं और बात करूँ तो आपकी पूरी प्रॉपर गेटेड सोसाइटी रहेगी। यहाँ पर आपके जो अपार्टमेंट्स हैं स्टेट में, आपकी पार्किंग सारी रहेगी, ऊपर 3 फ्लोर्स रहेंगे और साथ में हमारे पास लिफ्ट भी रहेगी। और इसके साथ आपको ये बता दूं कि एरिया में हमारे पास क्लब हाउस, जिमनेजियम, डेली नीड्स की शॉप्स वो सारी प्रॉपर रहेंगी और हमारे सारे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं सारे पार्क फेसिंग रहेंगे। तो अगर आपको ग्रीनरी से प्यार है और इसके साथ अगर आपको स्मार्टनेस से प्यार है तो ये घर सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों बढ़ता हूँ मैं आपको अपने घर की तरफ ले जाता हूँ। एंट्रेंस में आपको दिखा दूँ, पहले 8 फीट का दरवाज़ा है, बड़ा ही शानदार सा है, बड़ी हाई क्वालिटी वुड यहाँ पर यूज़ की गई है, कंप्रेस्ड डोर है यहाँ पर, काफ़ी हैवी है और उसके साथ एक सेंसर है। और इतने नहीं, अगर आपको अंगूठा लगाने का शौक है तो यार वो भी है यहाँ पर। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने घर में। दोस्तों एंट्रेंस पे आते ही हमारे पास एक बड़ा शानदार सा हमारा ड्राइंग एरिया आता है, खूबसूरत सा ड्राइंग एरिया है यार। अंदर आते ही आधा दमन तो यहीं पे पिघल जाता है हमारा। दोस्तों जितनी भी आपकी फ्लोरिंग रहेगी सारी बैटरी फाई टाइल्स रहेंगी, ड्राइंग और डाइनिंग एरिया जो है हमारा बिल्कुल अलग सा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, और बड़ा ही खूबसूरत सा है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, जो हमारा अपार्टमेंट है 160 गज के अंदर है, क्योंकि ये लो राइज है तो यहाँ पर मैं स्क्वायर फीट के अंदर आपसे बात नहीं करूँगा। वैसे मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, इसकी पूरी डिटेल्स आपको दूंगा नीचे। ड्राइंग एरिया दोस्तों हमारा काफ़ी अच्छा है, 15 फीट की इसकी रहेगी विड्थ और 11 फीट की इसकी लेंथ रहेगी। और इसके अलावा मेरे पास जो मेरा डाइनिंग एरिया है ये भी आपका 15 फीट का रहेगा, 15 बाय 10 का, तो स्पेस मेरे पास दोनों ही तरफ काफ़ी अच्छी रहेगी। और आपका ड्राइंग डाइनिंग में आपको फॉल सीलिंग एज इट इज हमें हमेशा मिलेगी। दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं आपको, मेरे डाइनिंग एरिया के साथ मेरे पास एक पॉन्डर रूम है, या फिर आप इसे गेस्ट वॉशरूम भी बोल सकते हो। और इसमें एक चीज और है, आप घबराना नहीं, मेरे हाथ बिल्कुल बाहर हैं और ये बंदा अंदर गया, छू लाइट ऑन हो गई। तो ये एक बड़ा सिंपल सा एक सेंसर लाइट हमने यहाँ पर लगाई है, क्योंकि कई बार होता हम रात को अंधेरे में जा रहे होते हैं वॉशरूम और हमारा आंखें हमारी बंद होती हैं तो हमारे हाथ स्विच तक कई बार नहीं पहुँच पाते। तो ये आपके फैसिलिटी, आपके सहूलत के लिए हमने एक चीज़ और दे दी है। और दोस्तों यहाँ पर मेरी किचन आ जाती है, किचन आप देख सकते हो, बड़ी शानदार सी किचन है। और किचन के अंदर जो मैं फीचर्स आपको बताने वाला हूँ यार, ये बिल्कुल ही अलग होंगे। मुझे नहीं लगता कि यार आपने आज से पहले शायद ऐसी चीज़ें आपने पहले देखी होंगी। आप इस पूरे घर को स्मार्टफोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और दोस्तों किचन हमारी जो रहेगी वो 13x10 की रहेगी, माफ़ी चाहूँगा, आपकी ये 13 फिट की लेंथ रहेगी और 7 फिट की इसकी विड्थ रहेगी। दोस्तों सारी तरफ हमारा ऑक्टा स्टोन लगा हुआ काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं विड्थ इसकी काफ़ी अच्छी है। और इसके साथ जो है मेरे पास मेरे जितने भी ड्रॉर्स हैं वो सारे सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ पर, बड़ी खास सी चीज़ है। एक तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, ये चीज़ हमारी खास है, खास इसलिए है क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि कई बार गैस लीक होती है तो हमें पता नहीं लगता है। तो ये सेंसर आपको बताएगा कि आपकी अगर गैस है, पाइप या कहीं से भी लीकेज है तो ये अपने आप बीप करेगा, जिससे आपको पूरे घर में अलार्म होगा, आपको पता लगेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पर हमारे पास FM है, FM प्लस आपके ऑक्स वीडियो ऑक्स पॉइंट है, जहाँ से आपके जितने भी सॉन्ग्स हैं या आप कुछ भी प्ले कर सकते हो, मॉर्निंग में आप भजन सुनना चाहते हैं कुछ भी है। एक बड़ा सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक अलग चीज़ है, क्योंकि जब लेडीज़ हमारी किचन के अंदर आती है ना तो उनको सिर्फ ध्यान सिर्फ सब्जी के ऊपर ना हो यार,
ठीक है कि यार सब्जी बनानी पड़ रही है, फिर और सब्जी बनानी पड़ रही है, परेशान हो रहे हैं। नहीं यार, हमारा ना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है उन चीज़ों से, क्योंकि पहले हम लगाया करते थे घर में टीवी। और दोस्तों डबल सिंक हमें मिलेगा, सिंक के ऊपर हमारे पास जैगवार की फिटिंग हमें प्रॉपर मिलेगी, और इस तरफ हमारे पास ड्राई और वेट कॉन्सेप्ट। डबल लेमिनेशन है सारी, मेरे पास जितने भी पॉइंट्स मेरे प्रॉपर यहाँ पर आरओ का आपका और गीजर के पॉइंट्स यहाँ पूरे आपको मिलेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जिसे हम किड्स बेडरूम भी बोल सकते हैं। किड्स बेडरूम मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसे स्पेस यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है, आपका इजीली बेड लगा, बेड के लगाने के बाद यहाँ पर हमारे पास स्पेस ही स्पेस है। और एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आपको, जो खिड़की आपकी पूरी यूपीवीसी की है, तो आपकी पूरी की पूरी खिड़की जो है यार, यहाँ से जो रोशनी आएगी ना सुबह सुबह यार, मज़ेदार। मुझे नहीं लगता आपको इस घर के अंदर जो है लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। टफन ग्लास के साथ आपकी पूरी खिड़की रहेगी, वार्डरोब्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, बेड के सामने आपको पैनल मिल जाएगा, और मेरी खिड़की के सामने मुझे जो है एक बालकनी मिल जाएगी, और काफ़ी बड़ी सी बालकनी मिलेगी, छोटी मोटी नहीं है। इजीली यार इजीली मैं अपनी चेयर्स लगा कर यहाँ पर बैठ सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर एक स्विच पॉइंट है जो सेंसर वाला है, और सिर्फ यही नहीं है, इसको मैं आपको मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट करके दिखा सकता हूँ। मेरे घर के अंदर जितने भी एसी है, पॉइंट्स है, कुछ भी है, वो सब कुछ मैं अपने फ़ोन से ऑन करके ऑन ऑफ कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकंड बेडरूम आ गया, काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पर, आप देख सकते हो हमारे पास हमारा बेड लगा हुआ, उसके बाद हमारे पास स्पेस ही स्पेस है। आपका 15x11.5 का बेडरूम आ जाएगा, ये अटैच वॉशरूम यहाँ पर रहेगा, और सबसे बड़ी चीज़ यार हमारे बेडरूम के अंदर स्पेस अच्छी रहेगी। ये डिज़ाइन है कि 160 गज के अंदर भी इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है कि आपको स्पेस अच्छी पूरी मिलती है, भरपूर स्पेस मिलती है यहाँ पर हमें। वॉशरूम हमारा अटैच रहेगा दोस्तों, यहाँ पर भी वैसे सेम सेंसर्स होंगे आपके। दोस्तों स्मार्ट होम का ना एक फ़ायदा हो जाता है यार, कि मान लीजिए अभी आप रास्ते में हैं, गर्मी वाला दिन है बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि हम घर जाएंगे तो एसी ऑन करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद कूलिंग होगी, तो यार वो काम हम रास्ते में ही कर सकते हैं। आप रास्ते में कमांड दीजिए अपने फ़ोन पे, आपके घर के जितने एसीज हैं वो सब कुछ ऑन हो जाएंगे। दोस्तों इस बेडरूम के साथ हमारे पास अटैच बालकोनी रहेगी, और काफ़ी बड़ी बालकोनी है यहाँ पे ना, हम दो चार चेयर्स लगा के, एक टेबल लगा के ना आराम से किसी भी टाइम यार चाय कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं, इतनी बड़ी बालकोनी है हमारे पास यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। पहले की तरह भी बिल्कुल शानदार सा बेडरूम है, काफ़ी अच्छी स्पेस है, 15x11 का ये भी आपको बेडरूम मिलेगा, इसके साथ अटैच वॉशरूम हमें मिलेगा, अटैच आपको जो है बालकनी यहाँ पर पूरी मिलती है। सेम रनिंग बालकनी जो हमने पिछले बेडरूम के साथ देखी थी वो सेम यहाँ पर भी हमें मिलती है। वार्डरोब्स दोस्तों यहाँ पर भी हमें पूरी मिलेंगी, जैसे हमने पहले देखा था इनबिल्ट है, तो हमारे रूम के स्पेस पे जो है कोई कमी नहीं आएगी। सामने का मेरा टीवी पैनल आ जाएगा, और वॉशरूम मेरा अटैच रहेगा, और यहाँ पर भी आपको सेंसर्स मिलेंगे। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, दोस्तों एक फीचर और है जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, वो मेरी वॉइस कमांड है, अलेक्सा स्विच ऑन बेडरूम 2। तो ये आपकी लाइट्स ऑन हो गई हैं, वैसे ये सिर्फ इंग्लिश ही समझती है, पंजाबी नहीं समझेगी, कभी हिंदी नहीं समझेगी, कोशिश मैं कर चुका हूँ। तो दोस्तों जितनी भी हमारे घर की लाइट्स हैं वो सारी ऐसे हो सकती हैं,
तो हम सारी जो है इसके साथ कमांड के साथ चलेंगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का स्मार्ट होम, उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें आपको हर चीज़ तकरीबन बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी स्मार्टनेस के साथ मिली हुई हैं। जैसे हमने आज तक स्मार्टफोन हम यूज़ कर रहे थे, स्मार्ट कार्स आ रही हैं, इसके बाद हमारे पास स्मार्ट होम, और ये स्मार्ट होम जीरकपुर में सबसे पहले है, एक ही लोकेशन है एयरपोर्ट रोड के ऊपर या PR7 के ऊपर। और दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। अगर आप इस लोकेशन को देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए, ये घर आपका इंतज़ार कर रहा है और हमें भी आपका इंतज़ार रहेगा। और इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।